नमस्कार दोस्तों, वैदेही के बगिया में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपसे बात करती हूँ इस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में, जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ चांदनी। इसे मिनी चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो बड़ी चांदनी होती है उसी के जैसा होता है, बस इसका साइज़ छोटा होता है और इसके फ्लावर्स भी छोटे होते हैं। इसकी लीव्स भी छोटी छोटी होती हैं, तो लीव्स छोटी होने की वजह से ये बहुत ही सुंदर लगता है और एक नेचुरल बोनसाई का शेप ले लेता है। फ्रेंड्स, ये अपने आप बॉल शेप लेता है। ये देखिए, बिल्कुल जैसा लगता है एक बॉल शेप में, अपने आप, इसमें कोई आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ऐसे शेप लेता चला जाएगा। तो इसमें आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर्स भी जैसे चांदनी के होते हैं वैसे ही इसके भी फ्लावर्स होते हैं, बस उसके फ्लावर्स थोड़े से बड़े होते हैं और इसके फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं, और इसकी लीव्स भी छोटी होती हैं। और इसकी रूट्स देखिए फ्रेंड्स, इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी डेवलप हुई है। तो आपको ये, अगर आप बोनसाई लवर हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक नेचुरल बोनसाई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा सुंदर प्लांट है ये। फ्रेंड्स, इसको आप तेज़ धूप में रखिए, इसे तेज़ धूप पसंद है, फुल सन में रहना पसंद करता है ये, बहुत अच्छा चलता है फुल सन में, ये गर्मियों की भी धूप बर्दाश्त कर लेता है। तो आपको इसकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने अगर एक बार लगा लिया तो सालों साल रहता है ये आपके पास। और फ्रेंड्स, अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसमें आप नॉर्मल सॉइल जो सब गमलों के लिए होती है वही इसमें लगती है, कोई ख़ास सॉइल इसमें नहीं प्रिपेयर करनी पड़ती। बस इसमें आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, वो चाहे आप गोबर की खाद दीजिए, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, मतलब केचुए की खाद, और उसमें आप 20% रिवर सैंड मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें बोन मील डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम खली डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी सॉइल में फंगस का ख़तरा नहीं रहता है। तो इसलिए आप उसमें नीम खली, आप किसी भी पौधे में की मिट्टी जब भी तैयार कीजिए तो उसमें नीम खली ज़रूर ऐड कीजिए, और बोन मील पौधे को ताकत देता है। तो ये चीज़ें आप अपने हर पॉटिंग मिक्स में आप जब भी तैयार कीजिए तो आप हर प्लांट में अपने दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए इसके फ्लावर्स, वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, कितना सुंदर प्लांट है ये। इसको आप तेज़ धूप में रखिए। और फ्रेंड्स, इसमें लीफ इसकी अपनी बहुत जल्दी गिरा देता है, तो ये मेरे ख्याल से साल में दो बार अपनी लीव्स गिरा देता है और पूरी तरह गिरा देता है। आपको लगेगा कि आपका प्लांट जो है वो डाई हो गया, लेकिन उससे आप घबराइए मत, आपका पौधा मरेगा नहीं। आपको लगेगा कि मेरा पौधा मर गया है, लेकिन इसमें फिर से लीव्स आ जाती हैं और वो बहुत अच्छी शाइनी लीव्स आती हैं, फिर जो नई लीव्स आती हैं और फिर से ये घना हो जाता है। तो अगर ये आपका प्लांट गिराता है अपनी पत्तियों को, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कि साल में दो बार तो कम से कम अपनी लीव्स गिरा ही देता है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें पेस्ट अटैक की बात करें तो इसमें जल्दी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसमें फिर भी आप कभी कभी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करिए। जैसे अगर आप सभी प्लांट्स में अपने जब भी आप स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का, तो इसमें भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें फंगस लगने का ख़तरा रहता है, क्योंकि ये इतना घना पौधा होता है कि ये उसकी वजह से इसमें फंगस लगने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो आप उसके लिए क्या करिए कि एक लीटर पानी में आधा चम्मच आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल करके और इसमें इसकी प्लांट में आप स्प्रे कर दीजिए, और उसके मिट्टी में भी वो पानी डाल दीजिए। तो बस सिर्फ इसमें फंगस का ही एक ख़तरा रहता है, बाकी पेस्ट का अटैक इसमें मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि मेरे पास तो ये करीब 6-7 साल से है, तो मेरे पास कभी भी इसमें पेस्ट का अटैक नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है रूट बाउंडिंग की। ये बहुत जल्दी अपनी रूट्स को बाउंड कर लेता है और इसे रूट बाउंड पसंद है। तो अगर आपके पौधे में जल्दी जल्दी रूट बाउंड हो रहा है तो आप उसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी पौधा वो होता है अपनी रूट्स को बाउंड कर लेता है तो लोग उसको रिपोर्ट करने लगते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जल्दी जल्दी अपने पॉट को
फिर से आप दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो अगर ये रूट बाउंड करता है तो आप इसको रिपोर्ट मत करिए। जब हाँ बहुत ज़्यादा मतलब हो जाए कि लगे कि हाँ अब मतलब मेरे प्लांट को पोषण नहीं मिल रहा है, तब आप इसको इसकी रिपोर्टिंग करिए। साल दो साल में ही रिपोर्टिंग करिए इसकी, जल्दी जल्दी मत करिए। रूट बाउंड क्योंकि करता है ये बहुत ज़्यादा, और इसको रूट बाउंडिंग पसंद भी है, ये इसको अच्छा लगता है ये अपनी रूट्स को बाउंड करके रखना। तो इसलिए आप बार बार रिपोर्ट मत करिए, उससे परेशान भी मत होइए कि इसमें रूट बाउंड हो गया है तो अब मेरा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका नेचर है। और फ्रेंड्स इसकी अगर इसको कैसे ग्रो करें, तो फ्रेंड्स इस ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और वैसे तो मैं इस पौधे को नर्सरी से लेके आई थी, करीब छः सात साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था नर्सरी से। और फ्रेंड्स ये नर्सरी में बहुत महंगा भी मिलता है, क्योंकि ये एक डॉप वैरायटी आप इसको समझ लीजिए, और बहुत महंगा भी मिलता है। तो आप कटिंग से इसको आपको अगर कहीं कटिंग मिल जाती है तो इसकी कटिंग आप लगाइए, कटिंग से ये लग जाता है। फ़िलहाल मैंने अभी पिछले साल ट्राई किया था तो मेरी कटिंग नहीं लगी थी, अब की फिर मैं ट्राई कर रही हूँ और तकरीबन 20-25 दिन से लगी हुई है फ़िलहाल वो कटिंग। और ग्रीन कलर मतलब पत्तियाँ अभी ग्रीन हैं उसकी, तो उम्मीद है कि मेरी कटिंग लग जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कटिंग लगा रखी है इसी चांदनी की, मिनी चांदनी की, और ये मोर पंखी की भी कटिंग लगी हुई है, और इधर फ्रेंड्स फाइकस की कटिंग लगी हुई है, और ये देखिए ये मेरी गुड़हल की कटिंग, हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल है ये, और गुलाब की भी कटिंग्स हैं, और मैंने कुछ गुलदाउदी की भी कटिंग्स लगाई हैं। तो ये कटिंग लगाई है करीब मेरी ये 25 दिन से लगी हुई है, और भी देख सकते हैं आप इसकी लीव्स ग्रीन हैं। ये देखिए मैंने एरेंथमम की कटिंग लगाई थी और आपको वीडियो भी बना के दिखाया था, लग गई है मेरी एरेंथमम की कटिंग। ये देखिए ये उम्मीद है कि लग जाएगी, 90% उम्मीद है, क्योंकि करीब 25 दिन से मेरी ये कटिंग लगी हुई है, तो उम्मीद है कि लग जाएगी। देखते हैं, सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, पिछले बार मैंने ट्राई किया था तो मेरी नहीं लगी थी, पता नहीं क्या रीज़न था, फंगस लग गया था उसमें क्या हुआ था, क्योंकि कटिंग अगर आप लगाइए तो उसमें फंगस लगने का भी खतरा रहता है, तो भी कटिंग मर जाती है, तो मे बी कि इस वजह से मेरी कटिंग मर गई हो। ये देखिए मेरी गुलदाउदी की है, ये मेरी सारी लग गई हैं, अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और मैं फिर कभी इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको नर्सरी से ख़रीद के ले आइए, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मेरा डॉगी सिम्बा इसका नाम है, ये बहुत शैतान है, किसी को भी अपने घर से के सामने से निकलने नहीं देता, भौंकता रहेगा, चिल्लाएगा, और हर समय मेरे साथ रहता है छत पे। ये देखिए एक शैतान है ये। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसमें जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।